क्यों ना हम किसी सास को दिखाएं और चटपटी सी कोई कहानी सुने। देखिए जरा, बहू बेटी की आदत एक जैसी है। बेटी को बुलाती हूँ, कहती है जी अम्मी मैं आ रही हूँ, फिर वो गायब हो जाती है। और बहू को बुलाती हूँ, कहती है अच्छा जी अम्मी आ रही, वो किसी ना किसी काम में घंटों गायब हो जाती है। बड़े मजे की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटी और बहू की बात नहीं है। हाँ, बात इंडिविजुअल की है। हर एक की अपनी नेचर होती है। कुछ गड़बड़ आप में ही होगी जब बेटी भी गायब हो रही है और अम्मी फिर कोई लेक्चर देंगी और बहू भी ये सोचते कि कुछ गड़बड़ गई, सुन सुन के वो लोग भी थक गई हैं कि बस अम्मी फिर लेक्चर देंगी। जब मैं अपने बच्चों को नसीहत देना शुरू करती हूँ वो लोग भी गायब हो जाते हैं। अच्छा नींद आने लगती है, नींद आने लगती है, कुछ फलाना काम करना है। मैंने कहा नसीहत शुरू और बच्चों की वो शुरू। जब नवासा नवासी भी यही करते हैं, जब उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करो थोड़ी देर रुक के फिर कहते हैं बस नानी कैन आई गो नाउ। हां भाई जाओ, तुम बड़ी सुना ली हमने। तो वही है आजकल के बच्चों में, नसीहत देते कहते हैं अभी थक रहे हैं जरा नींद कर ले, नींद आ रही है। तो वही टॉपिक खत्म करते हैं। नसीहतों को भी ना रैपर में लपेट के कुछ इस तरह देना चाहिए कि वो नसीहत नसीहत ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब हमें बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है बच्चों के सामने बहुत सारे ड्रामे माँ बाप को भी करने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े ड्रामा करते हैं माँ बाप के आगे। So, अब मैं यासर को और हम एक दूसरे को समझा रहे होते हैं हमें ये ड्रामा करना पड़ेगा। हमें कुछ गुड कॉप और बैड कॉप बनना पड़ेगा और बच्चों का मूड देख के बात करनी पड़ेगी कि अभी हम ये बात कर सकते हैं। हाँ भाई, वो माइंड ना करें। बिल्कुल, ये भी बड़ा मसला है। जी अब किसकी बारी है? अब फिर मेरी बारी आ गई। आपकी बारी आ गई। और ज्वेलरी? हाँ ज्वेलरी, जेवर। अच्छा जी, ज्वेलरी में दोनों का मुख्तलिफ है, बेटी और बहू का। टेस्ट भी और शौक भी। बेटी को है शौक और मतलब ओकेजन के मुताबिक। मुझे याद है पूरे कान छिदे हैं उसके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सारे वो तो मैं कह रही थी वाओ यार, कान तो छिदे हुए हैं, यहाँ भी आईब्रो में कुछ फंसा लिया। मैं गई हुई थी, बाहर गई हुई थी, तो जब मैं वापस आई मैंने कहा ये क्या है। कह रही है इसीलिए कराया था कि आप गई हुई हैं। अब तो मैं मतलब वो अच्छा, बहू जो है वो पहले भी मैंने जिक्र किया कि उसे बहुत फाइन चीजें, मिनिमलिस्टिक बिल्कुल। हाँ मतलब छोटे से स्टड्स हो गए, बारीक चेन के साथ इतना सा कुछ हो गया, पेंडेंट हो गया, और हल्की बहुत लाइट जो मेरी बल्कि जो जैसे अपनी रखी हुई थी। तो जब ये आई पहली दफा तो मैंने सास के तौर पर उसे दिखाई कि भाई इसमें से तुम क्या लेना चाहोगी। तो वो कुछ रिजेक्ट, सब हैवी थे उसके लिए। तो उसने कहा नो अम्मा दे आर हैवी फॉर मी, मैं नहीं इस तरह का पहन। अच्छा यहाँ पाकिस्तानी बहू नहीं कर सकती है वो कहती है भाई पहले पकड़ तो लो, बाद में सोचेंगे, पहले हाथ में लेके वजन देखेगी कि ये वाली है। मैं वही कह रही हूँ ये थोड़ा सा फायदा हो गया आपको। उसने उसने कहा नहीं भाई इतनी बारी कौन से। फिर मेरी बेटी बहुत खुश हुई, कहती है सब मेरा है, सब मेरा। और उनके आगे नवासी, उन्होंने कहा हाँ ठीक है नानी अभी हमारे लिए। अच्छा, ये वाली चीज ये है। हाँ ये डिफरेंट जी। अच्छा जैसे हर किसी के नेचर में डिफरेंस होता है, बेटी बहू में दोनों में कलर सिलेक्शन। हाँ कलर और ज्वेलरी में दोनों में बहुत डिफरेंस है। बहू जो है बड़ी हल्के लाइट कलर, सॉफ्ट कलर और ज्यादा इतनी हैवी ड्रेसेस नहीं पहनती। अच्छा, और ज्वेलरी में बिल्कुल सॉफ्ट हल्की हल्की चीजें लेती है। हाँ, और बेटी जो है वो शौकीन है। बेटी अम्मा पे गई है। बेटी को फास्ट कलर्स चाहिए, अच्छा ज्वेलरी भी चाहिए, प्रॉपर चाहिए। ओकेशंस पे ये भी तैयार हो जाती है मेरी बहू मुबशरा, लेकिन ये कि हाँ वैसे नॉर्मल बहुत लाइट लाइट कलर्स पहनती है। और अच्छा, बेटी को शौक है, बेटी को शौक है, लेकिन उसके शौक ज्यादा मेडिकल की वजह से रुके ही हुए हैं, प्रोफेशन की वजह से टाइम कम मिलता है। लेकिन जब भी टाइम मिलता है अपने बहुत अच्छी ड्रेसिंग और अच्छे हैवी वाली ज्वेलरी वगैरह। अच्छा ओके ओके, तो ये डिफरेंस है जी। मेरे पास आया है सोशल मीडिया। अच्छा इसमें मैं तो बे इंतहा कोरी हूँ, कुछ नहीं आता मेरे लिए। बिल्कुल इसे जनरेशन के ज्यादातर लोग होते हैं। हाँ तो मेरी बड़ी बहू जो है वो बहुत शौकीन है। अच्छा, हर चीज शायद उसके पास थोड़ा सा टाइम भी है। छोटी बहू भी जॉब करती है और जो बेटी है उसके बच्चों में बहुत लगी रहती है वो अपने, तो इसके पास थोड़ा सा टाइम भी होता है। इसलिए कि बच्चे टाइम दे रहे हैं आजकल के, पढ़ाइयाँ इतनी हैं उनकी कि वो अपने में मसरूफ रहते हैं, तो थोड़ा सा वक्त मिल जाता है बहू को।
तो मेरे जितने काम हैं वो बहू ही करती है, सोशल मीडिया के, सोशल मीडिया के सारे, हर चीज, अम्मी ये चीज आई भी, अम्मी फलां चीज देखिए, वो मुझे भेज देगी, कभी मैं घर पे नहीं हूँ। आपकी मैनेजर बेटी, मेरी बेटी है कि बेटियां जिस तरह, हाँ यही समझ लो कि बहुत हेल्प करती है मेरी इस मामले में। तो आपका आपका है कोई इंस्टा अकाउंट, सोशल मीडिया वगैरह है? होरी कहाँ से हुई? होरे तो हम जैसे हैं जिनका कोई, I'm not into this। अच्छा, और उसको हैंडल भी तो वही करती है ना? नहीं, मैंने एक दफा फोन को कहा कि इसी को, टच फोन को, कि हाँ भाई मुझे तो सिर्फ, मैंने बस कॉल रिसीव कर लेती हूँ और बंद कर देती हूँ। तो एक साहब बैठे थे, कहेंगे नहीं आपको बंद करना भी नहीं आता, अभी तक ऑन है। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो फिर से क्या करें, नहीं अब बेहतर हो गई हूँ काफी हद तक, और लिया भी बहुत देर से मैं इसके, पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी होती थी। मैं आपका वही किस्सा सुना रही हूँ कि हमारी जब बहुत पहले मुलाकात हुई थी उड़ान में, उड़ान के सेट पे इनके हस्बैंड थी उसके, तो आपने अपना फोन बड़ी शर्मिंदगी से निकाला था, उस पर रबर बैंड लगा हुआ था, वो मेरा नोकिया था, जख्मी नोकिया, वो आज तक है। वो मेरी सबसे पहले नोकिया निकलता है मेरा। कई लोगों ने पटखा भी है कि इसे फेंक दो, और वो फिर चल पड़ता है, फोन नहीं है कोई, इसीलिए तो नहीं फेंक रही। तो वो मैं भूलती नहीं कभी। इसके मामले में मैं अब टच फोन सीख लिया है थोड़ा बहुत, मगर अभी भी इन चीजों में। वैसे इन्होंने बड़ा बहू पे ट्रस्ट किया है, सोशल मीडिया अकाउंट उसके नाम कर दिया, तो क्या वो कुछ भी कर सकते, जायदाद थोड़ी है। अभी आपने, अभी आपने अच्छा अपने ताल्लुकात बिल्कुल सही रख ले। ये वाली बात है, ये फनी बात है। सबसे मजे की बात बताऊं कि हम सबका जो वो कोड है, हम सबका एक ही है, बहुएं हैं, बेटे हैं, सबका एक है, वही एटीएम नंबर, वही यार ये सही है। ये इसको कहते हैं हम साथ साथ हैं, साथ साथ हैं जी। ये क्या है? आप आया डोमिनेटिंग नेचर, तो यस, तो भाई बेटी की तो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। अच्छा, बहू की है लेकिन बहुत तरीके से, सटल तरीके से है, कि मतलब अगर करती वो वही है जो उसको करना होता है, तरीके का रहा, कोई जिद बहस नहीं, कोई मसला नहीं बनाती। तो शी इज गॉट अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मगर वो तरीके से। बेटी जो है ये तो मैं उनसे अक्सर कहती हूँ कि हम गलत आगे पीछे पैदा हो गए, मैं फिर से पैदा होती हूँ, तुम मुझे सिखाओ। वो इतनी डोमिनेटिंग है, अब अगर उसने सुन लिया कहेगी मेरी बुराई है। अगर बेटी भी सिखाए तो सीख लेना। अच्छा, माएं अपनी बेटियों की तारीफें करती हैं, मैं तो इससे कहती हूँ, मैंने कहा अगर तुम मेरी बहू होती मैं निकाल चुकी हूँ। अब बिल्कुल उसकी है डोमिनेटिंग, मतलब जो ऊपर से। मेरी जो मदर इन लॉ है और मेरी जो नंद है, एक ही नंद, तो उनकी भी आपस में ऐसी वो होती था झगड़ा, कि सारे भाई और मेरे ससुर कहते थे तुम लोग सौतनों की तरह क्यों लड़ते हो, क्योंकि सारे आदमी थे घर में, सिर्फ दो औरतें थी। अच्छा। और वो जो जहरे एक ही बेटी थी, तो वो अपनी चला रही होती थी, तो अम्मी बेचारी, अब मैं कोई गिफ्ट लाई हूँ अपनी सास के लिए, मैं मलेशिया गई हूँ वहां से गिफ्ट लेके आई हूँ, हाँ अम्मी मुझे अच्छा लग रहा है, दे। तो अब हम साथ रहते थे, तो मैं अपनी सास से पूछा अच्छा वो किधर है, वो मुझे मैं आपके लिए लाई थी, ले गई तुम्हारी वो, ले गई सनम। मैंने कहा अल्लाह ये वो मैं आपके लिए लाई थी, कहेंगे हाँ उठा के ले गई देखो जरा। मैंने कहा आप जो लाऊंगी ना आप नहीं देंगी आप उसको। सो वो होता है जब कभी कभार ऐसा होता है रिलेशनशिप, लेकिन प्यार मोहब्बत अपनी जगह, बिल्कुल वो अपनी जगह है, ख्याल बहुत करती है, सब कुछ है, लेकिन अभी तो आपने कवर करना है, घर भी तो जाना है, घर भी जाना है, कहीं पता चला वो वहीं गेट पे खड़ी है कि प्लीज। इससे तो बेहतर बहू की कर लेती है, वो तो दूर है। नहीं वैसे वो आदी हो गई, ये बचपन से यही सुन रही है, ये मेरे बारे में अम्मी उसे पता यही कहेंगी। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.